आज तक को मुबारकबाद खूबसूरत मुशायरे की महफिल सजाने के लिए आप लोगों का मूड देखते हुए दो तीन शेर पहले पढ़ता हूँ और उसका रद्दमल तलाश करने की कोशिश करता हूँ शेर यूँ है कि तुम तो मुझे देखना छोड़ो माफ़ कीजिएगा मैं दूसरा शेर पढ़ देता हूँ मुलायम भाई कि तुम्हारा साथ भी छूटा तुम अजनबी भी, भी, भी हुए तुम्हारा साथ भी छूटा तुम अजनबी भी हुए मगर जमाना तुम्हें अब भी मुझ में ढूंढता है तुम्हारा साथ भी छूटा तुम अजनबी भी हुए मगर जमाना तुम्हें अब भी मुझमें शेर सुनिए कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है नहीं ये ना कीजिए बड़ी महजब महफिल है ये काम किसी और जगह के लिए बचा के रखिए शायरी को शायरी की तरह आप सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मैंने ये शेर पढ़े आइए कुछ नए शेर सुनाता हूँ मतला सुनिए कि जवान नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं जवान नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं जवान नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफ़ा सर उठाना भूल जाते हैं वाँ। 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 कोई टूटी सी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जिस हद तक भी मेरा साथ दे पा रहे हैं चीख पुकार चाहिए भी नहीं है इसी तरह सुनिए जैसे शायरी सुनी जाती है कि कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं और घर घर की कयान कहानी बयान करता हूँ देखिए कि ये हमारा दाम्पत्य जीवन जो है इसमें अगर तनाव होता है तो बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ता है मैं इसको गज़ल बनाने की कोशिश करता हूँ कि कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती लौटाइए ये शेर तो आगे बात बढ़ेगी चंदी मिनट हैं, कि जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती उन्हीं शाखों के पत्ते ले लहाना भूल जाते हैं जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती उन्हीं शाखों के पत्ते ले लहा बिल्कुल ताज़ा कुछ शेर सुनाता हूँ जो किसी भी ज़रिए से आप तक ना पहुँचे हों यह आज का तहजीबी दर्द है हम लोग इस वक्त इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं एक शायर का दर्द सुनिए पूरा इज्तमाही दर्द है इसका तहजीबी मुलाहदा कीजिए इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे मुलादा कीजिएगा सुनिए श्वेता जी आप ख़ास तरीके से सुनिए कि इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे बहुत शुक्रिया इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे और मुलाज़ा फरमाइए कि खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे पाँव राहत शेर सुनो कि पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि लौटना चाहिए इस आज तक की महफिल है कि खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि पाँव से अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता भाई आपने इतने अच्छा इतने अच्छे तरीके से हादसार के शेर सुन लिए तो आइए और दो नए शेर पढ़ाने सुनाने की हिम्मत करता हूँ ये भी मुलाजा फरमाया पेश करता हूँ कि हवा से हवा के सामने इसमें सीना सिपर माफ कीजिएगा बताना ज़रूरी है सीना तान के खड़ा हो जाना हवा के सामने सीना सिपर तो होता है मैं क्या बयान कर गया हूँ ये सारे अहल कलम महसूस करेंगे मीडिया के लोग महसूस करेंगे अखबार के लोग महसूस करेंगे क्या कहना चाहता हूँ क्या कह गया हूँ मुलाज़ा कीजिए हवा के सामने कहाँ है क्या हवा के सामने सीना सिपर तो रहता है हवा के सामने सीना सिपर तो रहता है मगर चराग है बुझने का डर तो रहता है जिंदाबाद क्या महफिल है मुबारकबाद कि हवा के सामने सीना सिपर तो रहता है मगर चराग है बुझने का डर तो रहता है बहुत अच्छी तरह सुन लिया आपने ये शेर बहुत शुक्रिया कुछ शेर और मुलाजा फरमाइए मतला पेश करता हूँ कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया दरिया का सारा नशा उतरता चला गया बच्चों सुनो तुम्हारे लिए हौसला लाया हूँ शायरी के जरिए पेश करता हूँ दरिया का सारा नशा उतरता चला गया मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया दरिया का सारा नशा उतरता चला गया दरिया का सारा नशा उतरता चला गया मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया अब एक शेर और वो, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया ये शेर अहले नजर की नजर है बच्चों सुन लो ये शेर आप भी कभी आगे चलकर इसके मानी और बेहतर समझ में आएंगे पेश करता हूँ हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी दिल्ली वालों शायरी के हवाले से आप तक पहुँचता हूं कि हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी मैं जैसे कोई जख्म था भरता चला गया हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी मैं जैसे कोई जख्म था भरता चला गया भरता चला गया भरता चला गया मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया मंजिल <प्थाँगा> समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया आखिरी शेर इस खूबसूरत महफिल की नजर करता हूँ मुलाय फरमाइए कि दुनिया समझ में आई मगर आई देर से क्या कहने दिल्ली मिसरा उठाया आपने खुशी हुई कि दुनिया समझ में आई मगर आई देर से अरे कच्चा बहुत था रंग उतरता चला गया दुनिया समझ में आई मगर आई देर से दुनिया समझ में आई मगर आई देर से कच्चा बहुत था रंग उतर कितने कितना टाइम हो रहा है सब है तीन चार मिनट तो आइए एक और ताज़ा गजल मुलाज़ा फरमाइए पेश करता हूँ पेश करता हूँ आप ही के ख्वाब आप तक पहुँचाता हूँ मुलाजा कीजिए कि कहाँ सवालों के तुम से जवाब मांगते हैं कहाँ मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ आपका दर्द बयान करूँगा इस दर्द में आप कितनी शिरकत कर पाते हैं ये आपकी ज़िम्मेदारी मतला सुनिए कि कहाँ सवालों के तुम से जवाब मांगते हैं हम अपनी आंखों के हिस्से के ख्वाब मांगते हैं कहा सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं हम अपनी आंखों के हिस्से के ख्वाब मांगते हैं और हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते हैं हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते हैं मैं गीता मुकदस गीता के कर्म के फलतफे को दो मित्रों में समेटने की कोशिश करता हूं आप बताइए कि मेरी बात आप तक पहुंची मुलाजा फरमाइए कि हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते हैं अजीब लोग हैं इन पर तो रहम आता है अजीब लोग हैं इन पर तो रहम आता है जो कांटे वो के जमी से गुलाब मांगते हैं अजीब लोग हैं अजीब लोग हैं इन पर तो रहम आता है जो कांटे के ज़मीन से गुलाब मांगते हैं और श्वेता जी आपने बड़ी नहीं, कहना चाहिए हिम्मत और हौसले से मुशारे की निजामत की है क्योंकि आप शहरा से भी वाकई में पढ़ती भी रहती हैं मैं एक शहर शेर पेश कर रहा हूँ गज़ल के हवाले से और गज़ल की तरफ से खिदमत में आपकी पेश करना चाहता हूँ औरत के एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत बात चल रही है आइए सदियाँ उस एहसास को समेटती हैं दो पंक्तियों के जरिए दो मिस्रों के ज़रिए नज़र है आपकी महफिल की मुलाजा कीजिए कि हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते अजीब लोग हैं इन पर तो रहम आता है जो कांटे बो के ज़मीन से गुलाब मांगते हैं अरे गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी कहा है शम साहब सुनिए शेर के गुनाहगार तो नजरे हैं आपकी वरना याद रखना दिल्ली वालों शेर पेश करता हूँ गुनाहगार तो नजरे हैं आपकी वरना कहाँ ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं गुनाहगार तो नजरे हैं आपकी वरना बहुत गुनाहगार तो बड़ी अच्छी वो महफिल लगती है बड़ी अच्छी वो जगह लगती है जहाँ सोना सोने के भाव बिक जाता है मुबारकबाद है आप लोग अच्छी शायरी को मोहब्बत से सुना आपने जिम्मेदारी के साथ सुना पेश करता हूँ कि कहाँ ये फूल से गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी वरना गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी वरना कहाँ ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं और बड़ी तादाद है मेरे बच्चों की मैं उनका मुकदमा बड़ों की अदालत में पहुंचाता हूं इस शेर के ये आखिरी शेर मेरी हाज़िरी का मुलादा कीजिए कि कहाँ ये फूल से गुनाहगार तो नजरे हैं आपकी वरना कहाँ ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं बहल ना पाएंगे बातों से आज के बच्चे बच्चों तुम्हारा शेर बहल ना पाएंगे बातों से आज के बच्चे ये हर सवाल का अपने जवाब मांगते हैं